दोस्तों ये लौकी है और हमें लौकी के पत्ते चाहिए। मैंने घर मालिक से बोल दिया है लौकी के पत्ते तोड़ देने के लिए, उन्होंने हमें तोड़ दिया है और मैं अभी इसे डायरेक्ट घर लेकर के जाऊंगा और इसका क्या बनाएंगे मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, ये है लाऊ साग। अभी मैं लेकर के आया इसका। साग को इस तरह से निकाल लेते हैं और इसका अभी आज हम लोग पकौड़ा बनाएंगे। इसको इस तरह से निकाल लेते हैं, ये केवल पत्ता पत्ता निकाल लेना होता है ताकि ये जो डंठल टाइप का दिख रहा है ये नहीं पकेगा। ये इस तरह से निकाल लिए, अभी इसको अच्छी तरह से धो लेते हैं। ये पानी में डाल दिए, इसको धोने के बाद ही काटेंगे। इसको पूरा चूरा चूरा कर देना है, काट काट करके। ये देखिए लौकी साग को हम लोगों ने पूरा छोटा छोटा काट लिया है। ये हरा मिर्चा और अदरक है, इसको थोड़ा सा पीस लेते हैं। ये हरा मिर्चा और अदरक को पीस लिए हैं। ये बेसन को बर्तन में डाल दिए हैं। ये स्वाद अनुसार नमक और ये थोड़ा सा हल्दी और ये हरा मिर्चा और अदरक का पेस्ट। और ये लौकी के साग को डाल दे रहे हैं, इसको अच्छी तरह से सान लेते हैं पानी डाल करके। इसमें थोड़ा सा मसाला भी डाल देंगे। ये लौकी साग और बेसन को खूब अच्छी तरह से सान लिए हैं।
ये देखिए दोस्तों, लौकी साग का पकौड़ा बन के तैयार हो गया है। अभी हम लोग इसको गर्मा गर्म खाएंगे। दोस्तों हम लोग का लौकी के साग का पकौड़ा तैयार हो गया है और ये हम लोग का सुबह का नाश्ता है। आप लोगों ने अगर पूरा वीडियो देखा होगा तो हम लोगों ने लौकी का जो पकौड़ा बनाया, आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। बहुत अच्छा लग रहा है।